देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच मध्य प्रदेश को महंगाई की मार कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ रही है। रोजाना पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल देशव्यापी समस्या बना हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले सूबे की कमलनाथ सरकार ने प्रदेशवासियों को एक बार फिर बड़ा झटका दिया था, जिसमें प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पर 5% वैट की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद बुधवार को प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह और जिलाध्यक्ष विकास विरानी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लगातार देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक सरकार के लोक हितकारी निर्णयों को यह सरकार धीरे धीरे बंद करती जा रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी हो, दूध की कीमत बढ़ानी हो, और 200 रुपए से बिजली का बिल बढ़ा के 2000, 6000, 8000 और 20000 तक पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में जनता के बीच में त्राहिमाम मचा हुआ है। उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कठिनाई जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं को लेने में कठिनाई जा रही है, लोगों को जीवन यापन करने में कठिनाई जा रही है। जनहित के अंदर भारतीय जनता पार्टी सदैव ही अपना झंडा बुलंद करके, शंखनाद करके आज मैदान में उतरी है। इस प्रकार की किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में भी कई ज्ञापनों के माध्यम से कमलनाथ सरकार को हमने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के बढ़े हुए बिलों को वापस लिया जाए, जो आपने वचन पत्र में घोषणा करी थी उसका पालन किया जाए। लगातार धोखाधड़ी करके सरकार जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जिस परिवार की कुल आमदनी 2000 रुपए नहीं होगी, वहाँ 75000 रुपए का बिल आ रहा है। जिसने 75000 एक मुश्त किसी गरीब ने नहीं देखे होंगे, उसको 75000 रुपए का बिल दिया जा रहा है, ऐसा मजाक किया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रत्येक बस्ती क्षेत्र के अंदर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। जब हम जाते हैं तो घेर के खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, इसको सुधार करवाइए। आज सुरेंद्रनाथ सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस लड़ाई में उतरे हैं और उनका समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।